आज माननीय गृहमंत्री अमित शाह जी हमारे स्थल में आए थे और उनके साथ सेक्रेटरी हो और चीफ सेक्रेटरी दिल्ली सरकार भी हमारे यहाँ पे आए थे। उन्होंने अस्पताल का दौरा किया। सबसे पहले अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयारी है कोविड से लड़ने की उसके बारे में पूछा। हमने सारा बताया कि हमारा जो अस्पताल है डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है, 2000 बेड है और सारे के सारे बेड पे ऑक्सीजन की सुविधा है। हमारे पास बहुत अच्छा आईसीयू है, हमारे पास डायलिसिस का फैसिलिटी है और हमारा बहुत इंदौर जो पेशेंट है बहुत बड़ी संख्या में 2200 के लगभग पेशेंट यहाँ ठीक होकर जा चुके हैं। ये सारा जानकारी हमने माननीय गृहमंत्री जी को दी और जो भी तैयारी अस्पताल की है उससे वो बड़े खुश थे और बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो हमारे नर्सिस से भी मिले, उनका भी हौसला अफजाई किया कि नर्सिस भी 24 घंटा काम कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया काम इस अस्पताल में हो रहा है। तो वो उन्होंने बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया। हम इससे हमारे सारे लोग भी बहुत ही मोटिवेटेड हुए हैं, बहुत ही खुश हुए हैं और उन्होंने कहा कि जो काम लोकनायक अस्पताल में हो रहा है वो नॉर्थ इंडिया में ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे आप ये देखिए कि 1040 डायलिसिस सेशन इस अस्पताल में हुए जो नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा है। हमारे पास सबसे ज्यादा डिलीवरी हुई है, 52 हमारे सिजेरियन सेक्शन हुए जो कि नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक है। और जो पेशेंट यहाँ से ठीक होके गए हैं 2200 के लगभग, वो ये जो डाटा है ये दिखाता है कि कितना वर्कलोड है, कितना ज्यादा काम यहाँ का स्टाफ कर रहा है। तो ये बहुत ही प्रशंसनीय, बहुत ही जो हमारा अंदर से हमें सेटिस्फेक्शन होता है हमारे स्टाफ को देखकर, अपने डेडिकेशन को देखकर, हमारे जो टीम है डॉक्टरों की जो दिन रात मेहनत कर रही है, तो उससे हमारा जो हौसला अफजाई हुआ, जो मोटिवेशन हुआ, उसके लिए हम बहुत खुश हैं आज कि हमारे यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री आए और हमारे स्टाफ को उन्होंने मोटिवेट किया और हमारे जिस तरह से बहुत खुश हैं आज कि ये दिल्ली सरकार काम कर रही है उसको बहुत अप्रिशिएट किया। हाँ, मीडिया के बारे में उन्होंने कहा कि जो छोटी मोटी घटनाएं होती हैं इसको गलत तरीके से दिखाया जाता है, उसके बारे में कहा कि ये सब इसका ध्यान रख दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए और ये घटनाएं छोटी मोटी होती रहती हैं, इससे आपको डीमोरलाइज होने का आवश्यकता नहीं है। ये सारा जो है